Hello everyone, welcome you all to today's maths class, chapter 3, factors and multiples. So in this chapter, we'll be learning about the divisibility tests for 4, 6, 7, 8 and 11. What are the prime and composite numbers? We'll understand prime factorization and we'll understand the highest common factors and the lowest common multiples. Okay? So, before starting the chapter, let me ask you if you know about the divisibility test for 2 or 3 or the numbers missing here, like which is not given in your book. So, for any number, कोई भी number अगर दिया है कि वो 2 से divide होता है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? हम उसका ones place देखेंगे, ठीक है? Last place, last digit में अगर 0 होता है या फिर even numbers होता है, इसका मतलब वो 2 के साथ divide है, ठीक है? अब मैं explain करूँगी आपको, जो कि आपके book में दिया हुआ है, 3 से 11 तक. अभी हम देखेंगे कि divisibility test of 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. अब एक examples दिया है, देखिए 2, 4, 1, 5. ऊपर जो लाइन दिया है उसका मतलब क्या है? हमें चारों नंबर को ऐड करना है. ये पूरा नंबर के अंदर जितने भी नंबर हैं, करने पर 12 आया, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इक्वल्स टू 4 होता है. तो हम पूरा नंबर को भी 3 से डिवाइड करके देख लेंगे, तब आता है कितना, देखिए वो भी 3 के साथ डिवाइड होगा. नेक्स्ट है 11694, इसका भी हम स्प्लिट करेंगे, 1 plus 1 plus 6 plus 9 plus 4. Sum of the all the digits is equal to 21. वो हम divide करके देखेंगे 3 के साथ, तो आता है 7. तो ये भी divide होगा और 2415 वो भी divide होगा. Next एक है 86902. क्या ये 3 से divide होगा? इसके लिए हम देखेंगे 8 plus 6 plus 9 plus 0 plus 2. Sum of all the digits, करने पर जितना नंबर आता है, अगर वो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा. लेकिन आया कितना? 25. क्या 25 3 के साथ डिवाइड होगा? नहीं होगा. इसका मतलब 86902 ये वाला नंबर भी 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा. ठीक है? Divisibility test of 3 हो गया. अब आया divisibility test of 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its digits in 1s and 10s place is divisible by 4. Last 2 digit number, मतलब 1s और 10s place में जो भी है, वो 4 के साथ divide होना है. यहाँ पर देखिए 721536, इसमें last 2 digit number क्या है? 36. 36 divided by 4 करने से आता है 9. 9, तो ये 4 के साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब 721536 ये पूरा भी 4 के साथ डिवाइड होगा. नेक्स्ट है 9216, इसके लास्ट 2 डिजिट में क्या है? 16. 16 इज डिवाइडेड बाय 4, मतलब 4 4 16 होता है, व्हिच मींस 9216 ये पूरा नंबर भी 4 के साथ डिवाइड होगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5. A number is divisible by 5 if the digit in 1's place is either 0 or 5. ठीक है? Last digit जो रहेगा, उसको 0 होना है या फिर 5 होना है. जैसे कि 7730. Last में क्या है? 0. It means 7730 will be divisible by 5. ठीक है? Last में 0 या फिर 5 होना था. वैसे ही, next example है 8215. इसके लास्ट में क्या है? 5, वन्स प्लेस में, तो इसमें भी वो स्टेटमेंट मैच कर रहा है, तो ये भी 5 के साथ डिवाइड होगा. नेक्स्ट है 9640, इसके लास्ट में वन्स प्लेस में भी 0 है, तो 9640 विल बी आल्सो डिवाइडेड बाय 5. नेक्स्ट है 89325, इसके लास्ट में 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा. लेकिन 376, लास्ट में 6 है, ये तो ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 के साथ डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 देखेंगे.
A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. Take for example 7, 5, 6, 4, 2. कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है कैसे पता चलेगा? हमें वंस प्लेस देखना है. ठीक है, वंस प्लेस में अगर 0 रहता है या फिर कोई भी इवन नंबर रहता है, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होगा. ठीक है, और 3 के लिए हमने क्या देखा था कि जितने भी नंबर्स रहते हैं, जितने भी डिजिट्स रहते हैं, उन सबको ऐड करना होता है, तब जाके वो 3 से डिवाइड होता है. तो पहले हम देख लेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं. 7, 5, 6, 4, 2. वंस प्लेस में क्या है? 2, विच इज एन इवन नंबर. ओके, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 2. अब देखेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं. तो 7, 5, 6, 4, 2, इसको अलग अलग ऐड करना है. 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 करके हम देखेंगे कितना आता है. टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व करके टोटल करके 24. 24 इज डिवाइडेड बाय 3. इसका मतलब 3 एट जा 24, तो ये 3 से भी डिवाइड होता है. हेंस इट विल बी डिवाइडेड बाय 6 ऑल्सो, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हुआ और 3 से भी डिवाइड हुआ. हेंस 7, 5, 6, 4, 2 इज डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6, 4, 2, 7. ये देखेंगे ये 2 से डिवाइड होता है या 3 से डिवाइड होता है या दोनों से होता है. पहले हम चेक करेंगे 2 के साथ. ठीक है, 5, 6, 4, 2, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करना चाहें तो क्या ये होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लास्ट में जो वंस प्लेस है, लास्ट डिजिट, तो नाइदर 0 है नॉर इवन नंबर है, तो इसीलिए 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट है 3 के साथ चेक करेंगे. 5, 6, 4, 2, 7 डिवाइडेड बाई 3 करके क्या देखेंगे? 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 करके कितना आता है हम देखेंगे. आया 24. 24 क्या 3 से डिवाइड होता है? होता है, क्योंकि 3 8 जा 24. तो ये 2 से नहीं हुआ और 3 से हुआ, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों का डिवाइड होना जरूरी है. 2 से भी होना है और 3 से भी होना है, तब जाके होगा. 2 से नहीं हुआ यहाँ पे और 3 से हो गया, इसका मतलब ये 6 से नहीं होगा डिवाइड. ठीक है, हेंस 5, 6, 4, 2, 7 विल नॉट बी डिवाइडेड बाई 6. ओके, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7. डबल और ट्वाइस द नंबर एट वंस प्लेस, सब्ट्रैक्ट इट विद रेस्ट ऑफ द डिजिट्स, द डिफरेंस शुड बी डिविजिबल बाय 0. ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये वाला वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, प्लेस वैल्यू हमें पता है. डबल और ट्वाइस द नंबर एट वंस प्लेस, वंस प्लेस में जो नंबर रहेगा उसका डबल करेंगे, फिर पीछे वंस प्लेस को छोड़कर पीछे जितना भी नंबर रहा उन सब को इस वंस वाले से माइनस करेंगे. जितना नंबर आएगा दैट शुड बी डिविजिबल बाय 7. तो 924 ये 7 से डिवाइड हो रहा कि नहीं कैसे पता करेंगे? वंस प्लेस में है 4, तो 4 टू जा 8. ठीक है, अब वो दो नंबर क्या बचा हंड्रेड्स और टेंस प्लेस में? 92. तो 92 माइनस 8 करके हम देखेंगे कितना आ रहा है. 84. क्या 84 7 से डिवाइड होगा? ये हमें पता करना है. स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो, जितना भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका वंस प्लेस में जो रहेगा उसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पीछे टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, कितना भी लंबा नंबर हो उसको ये वाले नंबर के साथ माइनस करना है, फिर जितना आया उसको 7 के साथ डिवाइड करना है, करके जितना आएगा
अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। यहाँ पर और एक एग्जांपल देख लो, 392 डिवाइडेड बाई 7, लास्ट में क्या है 2, तो 2 इंटू 2 हो गया 4। 39 माइनस 4 करेंगे, 39 माइनस 4 करने के बाद क्या आता है 35। क्या 35 7 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, क्योंकि 7 5 35। इसका मतलब 392 भी 7 के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स डिजिट्स इन वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, 4 के लिए क्या था, 2 डिजिट देखना है लास्ट का, वंस और टेंस प्लेस। 2 के लिए क्या था, सिर्फ वंस प्लेस देखना है। 8 के लिए यहाँ पे 3 डिजिट देखना है, लास्ट का वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस जितना रहेगा। वो तीन नंबर आइदर 000 हो सकता है या फिर वो तीनों नंबर 8 के साथ डिवाइड होना है। जैसे ये नंबर देख लेते हैं, 39411028, वंस टेंस हंड्रेड में क्या है 288। ठीक है, तो 288 8 के साथ डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये पहले हम देख लेंगे। So 288 divided by 8 will be equal to 36। इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, तो जो पूरा नंबर है 39411028 ये भी 8 के साथ डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखेंगे 115096, वंस टेंस हंड्रेड प्लेस में क्या है 96। क्या 96 8 के साथ डिवाइड होता है? होता है। इसका मतलब 115096 ये भी 8 के साथ डिवाइड होगा। फिर है 30129, क्या ये डिवाइड होता है? इसके लिए 129 को हम देखेंगे कि 8 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं, क्योंकि वो वंस टेंस और हंड्रेड प्लेस का है। तो 129 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि वो डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब 30129 ये पूरा नंबर भी 8 के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9। A number is divisible by 9 if the sum of its digits are divisible by 9. हमने 3 के लिए क्या देखा था स्टूडेंट्स? ऐसे ही कुछ देखा था ना कि अगर सारा डिजिट 3 के साथ डिवाइड हो रहा, सारा डिजिट्स अगर ऐड करने पर 3 के साथ डिवाइड हो रहा है, मतलब वो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो बिल्कुल उसी तरह 9 भी सेम ही है, अगर वो 3 से डिवाइड होता है मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो 50472, इसको हम ऐड करेंगे 5 + 0 + 4 + 7 + 2, करने से आता है 18। क्या 18 9 के साथ डिवाइड होता है? हाँ, 9 2 = 18, विच मीन्स 50472 विल बी डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट है 81206, इसका भी हम सेम तरह से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि जो नंबर 3 से डिवाइड होता है वो 9 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि रूल सेम है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ द एवरी डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब वो पूरा भी डिवाइड होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0। बस ये बहुत ही सिंपल है, लास्ट जो वंस प्लेस में जो डिजिट है वो देखना है कि 0 है या नहीं। अगर वो 0 होता है, इसका मतलब वो 10 से डिवाइड होगा। अगर वो नहीं होता है, इसका मतलब वो नहीं होगा। जैसे कि लास्ट वाला 34981, लास्ट में क्या है 1, वंस प्लेस में, इसका मतलब ये 10 के साथ डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। A number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digits in odd places and the sum of its digits in even places is either 0 or a multiple of 11, which means sum of the odd places and sum of even places should be equal to 0 or multiple of 11. Odd number, even numbers, आपको पता है,
इवन नंबर्स क्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, दीज आर द इवन नंबर्स। एंड ऑड नंबर्स क्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, दीज आर द ऑड नंबर्स। तो सपोज कोई भी नंबर दिया है, उसका हम ऐसे ऑल्टरनेट ऑड प्लेस जितने भी हैं उसको ऐड करेंगे और इवन को ऐड करेंगे। करने के बाद दैट शुड बी 0, 11, 22, 33, 44, ये 11 के मल्टीपल्स जितने भी होते हैं वो होना है या फिर जीरो होना है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4, 9, 3, 1, 5, 2, इसका ऑड प्लेस में कौन कौन है, 4 है, 3 है, 1 है और 2 है, ठीक है, ये है ऑड प्लेसेस। तो वंस प्लेस, टेंथ प्लेस हो गया इवन, हंड्रेड प्लेस हो गया ऑड, लाइक दिस इट इज गोइंग। अब हम देखेंगे कि आप किसी साइड से भी शुरू कर सकते हैं। इधर राइट साइड से दिखाया गया है, आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, बस उनका सब्ट्रैक्ट करने पर जीरो आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल्स आना चाहिए। तो सम ऑफ द ऑड डिजिट्स यहाँ पे जो भी है, ऑड प्लेस में क्या क्या है, 2 है, 1 है, 9 है, तो 2 + 1 + 9 ऑल्टरनेट प्लेसेस को हम ऐड कर रहे हैं। करने के बाद है 12। फिर हम देखेंगे सम ऑफ द इवन डिजिट्स, इवन में कौन कौन है, 5 है, 3 है और 4 है, ठीक है। तो 5 + 3 + 4 ये भी 12 आता है, तो 12 - 12 विल बी इक्वल टू 0, हेंस 4, 9, 3, 1, 5, 2 इज डिवाइडेड बाय 11। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, ऑल्टरनेट प्लेसेस जो भी है उनको ऐड करना होगा, फिर टोटल के साथ, टोटल ऑफ द ऑड डिजिट्स के साथ टोटल ऑफ इवन डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा, हेंस दिस विल टोटल बी डिवाइडेड बाय 11। नेक्स्ट वाला देख लेंगे जो कि है 6, 1, 8, 0, 9। इसके लिए हम फिर से वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स को हम पहले सेपरेट कर लेंगे। ऑड प्लेस में है 9, 8 और 6, इवन प्लेस में कौन कौन है, 0 और 1, ठीक है। तो फिर से हम अलग करके लिख लेंगे इसको, सम ऑफ द ऑड डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू 9 + 8 + 6 which will be equal to 23। अब हम sum of even digits करेंगे तो होगा 1 + 0 which is 1, क्योंकि even है, ठीक है, equals to 1 हो गया। तो sum of odd place minus sum of even place हम करेंगे equals to 23 - 1 which is 22। तो 22 इज डिवाइडेड बाय 11 और ये 11 का मल्टीपल है, 11 × 2 = 22। इसका मतलब 6, 1, 8, 0, 9 ये पूरा डिवाइड होगा 11 से। आइदर 0 होना है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होना है टू बी डिवाइडेड बाय 11, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हो गया ये 11 का। स्टूडेंट्स, एज आई हैव जस्ट टॉट यू अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, अप टू 11 आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट। द रेस्ट पार्ट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन यू हैव टू फिनिश द होमवर्क that is given in your exercise 3.1 page number 160 and 161 based on the divisibility test. Okay students, so take care, thank you.